दोस्तों, ऑफिस से इंटरव्यू देकर लौट रही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का अचानक से दिल्ली के नोएडा में एक्सीडेंट भारत सरकार की लोगों लगे नेक्सॉन गाड़ी से हो जाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खुद नेहा सिंह राठौर ने साझा किया है। नेहा सिंह राठौर वीडियो को साझा करते हुए लिखती हैं, अभी थोड़ी देर पहले नोएडा से वापस आते समय लोधी कॉलोनी के पास मेरी कैब का एक्सीडेंट हो गया। एक तेज रफ्तार नेक्सॉन गाड़ी अचानक हमारी कैब के सामने आ गई। नेक्सॉन गाड़ी पर भारत सरकार लिखा हुआ था, मैं सुरक्षित हूँ, हिमांशु के घुटने में मामूली चोट लगी है। हम लोग मेरे इंटरव्यू के सिलसिले में नोएडा के एक न्यूज चैनल के ऑफिस गए थे। मुझे लग रहा है कि इस दुर्घटना की सूचना सार्वजनिक की जानी चाहिए, तो ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। आइए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। किसकी गाड़ी? सरकारी, सरकारी गाड़ी है तो लड़ा देंगे, क्या मामला है? सरकारी गाड़ी है तो क्या मतलब है? दारू भी रखी है, दारू भी रखी, दारू पी के गाड़ी चला रहा, खूब दिख रही है, सब सौदा। वहीं दोस्तों, नेहा सिंह राठौर के इस ट्वीट को जवाब देते हुए एक यूजर ने कहा, भारत सरकार गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है ड्राइवर ने दारू पी रखी है। नेहा सिंह सिंगर जो गरीब मजदूर और शोषित पीड़ित की आवाज़ उठाती हैं, उसकी कैब को टक्कर मार देता है, बड़े शर्म की बात है। अगर इस गाड़ी पर भारत सरकार लिखा है तो उसको कोई साधारण आदमी तो चला नहीं रहा होगा। मैं तो चाहता हूँ कि इसकी जाँच हो, कौन आदमी चला रहा था इस गाड़ी को जो नेहा सिंह की कैब को टक्कर मारा है। भगवान से दुआ करता हूँ नेहा सिंह को सुरक्षित रखें। एक और यूजर लिखते हैं, कोई बड़ी प्लानिंग रही होगी, आप जनमानस की आवाज़ बनती जा रही हैं, जो काम मीडिया को करना चाहिए वो काम आप कर रही हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद कर रखी हैं। अमृता त्रिपाठी लिखती हैं, फलाने के परिवारजन हैं क्या? वीरेंद्र कुमार लिखते हैं, भारत सरकार आपके पीछे सच में पड़ी है, इसीलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है।